के लोगों ने जंगल को लगाने बचाने में अपना अभिन्न योगदान दिया है और आज जब इतनी बड़ी प्राकृतिक संपदा को इन लोगों ने खड़ा किया है उसके बाद इन लोगों के मन के अंदर बहुत सारी पीड़ाएं हैं। सरकार ने बहुत पीड़ा को दूर करने का काम किया है। आज मैं ये चाहूँगा कि हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना जाए और इसके बाद में आने वाले समय में जो हमारे दुख हैं, जो दर्द हैं, उन दुख को और दर्द को दूर किया जाए। हम अपने अतीत के बारे में जानते हैं कि हमारे अतीत कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारे अतीत उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाने में बहुत ही बड़ा योगदान कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करके हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारे वर्तमान में हमारे प्रदेश सरकार ने हमारे पूर्व जिलाधिकारी के माध्यम से हमारे वनग्रामों में विकास की बहुत सारी किरणें बिखेरी हैं। हमारे यहाँ हैंडपम्प, सोलर लाइट और अब अधिकार पत्र भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जितने भी हो सकते थे, सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के इतिहास में पहली बार ये ऐसा समय आया है जब प्रत्येक हमारे वनग्राम के 18 साल से बड़े युवक और महिलाओं, माताओं, बहनों, सभी लोगों को मतदान का अधिकार मिला है। तो ये बहुत बड़े हर्ष की बात है और ये मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिसने इतनी मेहनत से ये कार्य संपादित कराया है। मैं अब आप लोगों के बीच से कुछ लोगों को मैं सामने लाना चाहता हूँ जो अपनी बातों को आपके बीच में रखेंगे। मैं सबसे पहले केशव सिंह जी से चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। सर, हम लोग वनवासी हैं, बहुत दिनों से हम लोग पीड़ित है। इससे वन विभाग हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। जगह जगह रास्ता बंद कर रहे हैं, नाली खोद रहे हैं और हम लोग जंगल जाते हैं फूस लकड़ी लाने के लिए, वो भी हम लोगों की परेशानी है। साइकिल को छीन लेते हैं, मार पीट डंडन से मारते पीटते हैं, कितने लोगों को बर्बाद कर देते हैं, कितने लोगों को नजायज केस में फंसा कर। सर, नजायज केस में कभी माल बराबर नहीं होता है तो ये अपनी धारा लगा कर उन लोगों के चालान काटते हैं। बच्चे रोटी रोटी बिना हम लोग मर रहे हैं, रोटी रोटी के परेशान हैं हम लोग। हर तरह से परेशानियां वन विभाग हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो सर, ये बात हमारी जरूर सुनी जाए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद केशव सिंह जी। मैं पुत्तीलाल जी से चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। पुत्तीलाल जी इधर से निकल के आगे आ जाएं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि पद्मनी प्रसाद जी आप। अब संबोधन करने का तो समय नहीं रह गया है, इसलिए मैं अपनी जो बातें हैं, मुख्य बातें हैं, उसको रख रहा हूं। और हमारे यहाँ इस क्षेत्र में वन विभाग में जो कानून अंग्रेजों ने बनाया था वो कानून आज भी संचालित हो रहा है। और उस कानून जो अंग्रेज बनाया वो भारतवासियों के विरुद्ध बना और वही आज चल रहा है। तो कितना हम लोग खुशहाल हैं, वन विभाग कदम कदम पर हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। वनवासियों को, राजेश वासियों को, सभी को रास्ता चलते पकड़ के जेल में बंद कर दे रहे हैं। किसी को जो भक्त है, शाकाहारी है, कंठी बाना है, उसको मांस के चोरी में, शाही मारने के चोरी में और बाघ मारने के उसमें का लगा के, आरोप लगा के लोगों को जेल भेज रहे हैं। ये सब आतंक हो रहा है। आज से नहीं, सन 1967 से अब तक सारे वन विभाग के लोगों ने राजेश उग्राम के तमाम जमीन कब्जा कर लिया है, लाखों लाखों बीघा जमीन कब्जा कर लिया है। उसका थोड़ा सा नमूना भरथापुर से 2725 एकड़, तेलागौरी से 1800,
75 एकड़ चहलुआ से 4652 एकड़, बड़खरिया से 1222 एकड़ जमीन वन विभाग ने कब्जा किया और जमीन कब्जा कर लिया। वहां जो लोग खेती कर रहे थे सभी के ऊपर मुकदमा लिख करके निरुद्ध कर दिया। हम लोग परेशान हो रहे हैं, ये वन विभाग के आतंक हम चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार खत्म करे। जय हिंद, जय भारत। शशिकांत जी, आदरणीय तपेंद्र कुमार साक जी और सभी उपस्थित महानुभाव, मैं आप लोग के सामने ज्यादा संबोधन का टाइम नहीं है, लेकिन थोड़े से संक्षेप में मैं मोटी बातें बताना चाहता हूँ। पहले सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मैं शशिकांत निराला ग्राम मटेही राना फार्म कोट सफरिया जिला बहराइच का निवासी हूँ। और सौभाग्य मेरा रहा कि 2005 से 2010 तक मैं अपने गुरु बड़े भाई डॉक्टर जंग हिंदुस्तानी के साथ में संस्था का काम देखा, जिसके कारण मैं वन विभाग के कर्मचारियों को बहुत करीब से जानता हूं। और अभी जल्द ही में मेरे ग्राम सभा में घटनाएं हुई हैं, जो मनरेगा के मजदूर से बेगारी कराया गया है और उसके खाते में पैसे डाल करके मुंशी ने जब मांगा उसने नहीं दिया तो उसके ऊपर मुकदमा कायम किया गया है। और चोरी से लकड़ियां बेचते हैं जिसका विरोध ग्राम सभा वालों ने किया, तो 6 लोगों के ऊपर मुकदमा अभी भी लदा हुआ है और कुछ लोग जेल गए हुए हैं। हाल ही की घटना में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं माननीय आसिकली जी, जो चफरिया की घटना है कि तेंदुए का बच्चा जाड़े से मरा, जिसके कारण गन्ना छीलते हुए मजदूरों को जेल भेजा गया है। सारे आतंक से आप लोग परिचित हैं, इसी तरह बारी बारी से सब लोगों को वन विभाग जो है किसी न किसी कारण बस फांस रहा है, जिसका मुझे ये दुख के साथ करना पड़ रहा है कि सारे लोग एकत्र होकर जब तक उनका मुकाबला नहीं करेंगे और सरकार से अपनी मांगों को अपनी मजबूरियों को नहीं बताएंगे, तब तक किसी भी नेता की जानकारी में जब तक कि मामला नहीं जाएगा तब तक उसका भला नहीं होने वाला है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से ये दरखास्त कर रहा हूँ कि इस मामले की छानबीन काफ़ी गहराई से की जाए। जय हिंद, जय भारत। हमारे सुजौली के रहने वाले पारस जी, पारस नाम है ना आपका, पारस जी, ये इनको अभी 17 दिन की जेल जा करके 17 दिन पर छोड़ करके आए हैं। मैं चाहूंगा कि आपने हम महापुरुषों हे पंच परमेश्वर, बहुत कष्ट में हम लोग के जंगल वाले कर रहे हैं। हम लोग रास्ते में जाते हमको पकड़ करके ले जा करके जेल में हम लोग के भेज दिए हैं। ऐसा कोई महापुरुष हो कि हम लोग के रक्षा करे, बहुत हम लोग के कष्ट है मालिक। 2755 में हम लोग रोड पर जाते रहे, हमारा लड़की की एक बीमारी था उसमें हम जाते रहे इमरजेंसी में, हमको पकड़ के ले आकर के हमको जेल कर दिए। ऐसे कोई हम लोग की सुनवाई नहीं है। ये महापुरुष कोई ऐसा हो कि ये जीवन का महापुरुषों का कल्याण करे, रक्षा करे, हे महापुरुष, हम तो यही कहेंगे। हाँ पुतिलाल, पुतिलाल हमारा नाम है, बनगिराम के निवासी हैं हम। आज ये सरकार के लोगों से ये बोलना चाहते हैं कि हमारे जानवर जो है ये DFO नहीं चलने दे रहा है। अगर हम लोग जाते हैं जंगल चलाने तो वहाँ पकड़ करके हाथ बांध देता है। हम लोग 2-2 किलोमीटर जंगल से हाथ बांधे हुए गांव अपने घर को आते हैं, तब यहाँ हार में हाथ खोला जाता है हमारा। जो है ये DFO यहाँ रहेगा तो आज हम मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा आतंक फैल जाएगा, इसका कृपा करके यही है कि इस DFO को यहाँ हटा दो बस। बहुत से लोगों के दुख दर्द हैं, लेकिन शायद समय हमारा साथ नहीं दे पा रहा है, उस नाते हम बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। हमारे बीच में मैं चाहूँगा कि BS परिहार जी, जो पिछले 1.5-2 साल लगातार बीच में आते रहे और अभी उन्होंने वनग्रामों के ऊपर एक विशेष फीचर लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बात 2 मिनट में रखें। परिहार जी, यदि मेरी आवाज पहुंच रही हो तो।
मैं इसके पहले कि परिहार जी आकर के अपनी बात रखें, मैं इस क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहे और समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव मैं डॉक्टर आसिक अली साहब से चाहूंगा कि दो मिनट में वो अपनी बात रखें। मंच पे उपस्थित समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय साक्य साहब, हमारी बहरेज के प्रभारी, महिला कल्याण निगम की चेयरमैन, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्रीमती लीला कुशवाहा जी, आदरणीय सभी साहब, मंच पर बैठे सम्मानित नेतागण और हृदय में स्थान रखने वाली माताओं और बहनों, मंत्री जी, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और यहां पर वास्तव में यहां की जनता, जब से डीएफओ साहब आए हैं, उन्होंने आतंक मचा दिया है। जहां तक वन की बात है, हम लोग यहीं पर पैदा हुए हैं, यहीं खेले और कूदे हैं। वन विभाग आज वनों की रक्षा इसलिए करना चाहता है कि वो ऑक्सीजन, इसके बगैर हम एक मिनट नहीं जिंदा रह सकते, उसकी रक्षा के लिए जंगल की रक्षा आवश्यकता है और जंगलों की रक्षा के लिए शेर आवश्यक हैं। लेकिन ये सब मानव जात के लिए किया जा रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो मानव जात इस धरती पर नहीं बचेगी। लेकिन ऑक्सीजन से पहले पहले ही हमको मिटाया जा रहा है। जब से डीएफओ साहब आए हैं, इन्होंने 90 देश की आज़ादी के बाद, जब से हम लोग जानते हैं, इतना क्रूर शासक यहाँ अभी तक नहीं आया है। वास्तव में जिन लोगों का दर्द है, अभी एक शावक था, वो ठंड से मर गया। डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिया कि निमोनिया से उसकी डेथ हुई है और डीएफओ महोदय ने दो लोगों को, जिसके लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, उनको जेल भेज दिया और भेज दिया कि उसको दौड़ाव दौड़ाव कर मारा गया। लोग जानवर चरा रहे थे जंगल के बाहर, उनको भेज दिया कि शाही में मारा गया है। तो यहाँ पर मंत्री जी बहुत दिक्कतें हैं। और मैं आपसे बता दूँ कि 5 बजे के बाद अगर हम लोग नानपारा जाना चाहें, बहरेज जाना चाहें, तो यहाँ से रास्ता बंद हो जाता है, जाने की कोई सुविधा नहीं है। ये ऐसा क्षेत्र है मंत्री महोदय, यहाँ पर 40 किलोमीटर की रेंज में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पर 40 किलोमीटर की रेंज में कोई एक MBBS डॉक्टर नहीं है। 2.5-3 लाख की आबादी है, अगर कोई दिक्कत हो जाए तो हम लोग भगवान सहारे रहते हैं, यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। जंगलों की जहाँ तक बात है, तो DFO साहब या फॉरेस्ट वाले तो जंगल को ऑक्सीजन के लिए बचा रहे हैं, लेकिन हमने इनको देवता माना है। कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, इनको भगवान सदृश मानते हैं, इनकी हमने रक्षा की है और इन्हीं की गोद में हम पले और बढ़े हैं। लेकिन आज ये DFO साहब आ करके, और इन्होंने इतना अत्याचार मचा दिया है कि 90 लोग बेगुनाह, अभी 40-45 लोग जेल में पड़े हुए हैं और सबको जानवरों के मारने के आरोप में इन्होंने बंद किया है। तो सिर्फ मेरा आपसे एक निवेदन है कि ये जनता तो यहाँ पर अपने मेहनत मशक्कत से अपनी रोजी रोटी पैदा कर रही है, लेकिन आपसे एक निवेदन मैं जरूर करना चाहूँगा कि आज ही तत्काल प्रभाव से आप DFO महोदय को यहाँ से हटा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन गरीबों के लिए सिर्फ एक शेयर करना चाहूँगा कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दीदी जी ने कहा कि महिलाओं ने कुछ नहीं बोला, मैं फातिमा जी से चाहूंगा कि अपनी बात। सबके भैयन के, बड़े छोटे भैयन के, सबके जय हिंद, जय हिंद। डीएफओ साहब के तो हम चाहते हैं कि लकड़ी बीनने में जाने के हाथ पकड़ते हैं, बकरी चराने में मारते हैं, टट्टी जाते हैं, उसके लेडीसन के गलत काम करते हैं। डीएफओ साहब के सर हमारे कहनाम है कि इनके थुरू से थुरू बिल्कुल बदलिए या तो इनके शासन दीजिए महिला शक्ति के। हम लोग खुद डीएफओ के सही मैं कर दूंगा। मैं दिल्ली शहर में मारे थे हम, हम रूला दीदी ने ये भाग करके आया है गद्दार, और ये किसी के इज्जत नहीं समझता है महले के माँ बहनन के। थाना तो जनता के ऊपर है, थाना क्या करेगा मेरा। हम खुद स्वयं
लिए अपने चश्मा काट काट महल बनाते हैं, और गरीब जंगल के एक लकड़ी बीन दे तो उसके हाथ पकड़ते हैं, गलत कार के नियत आता है। तत्काल यहाँ से सब वन विभाग के हटाइए, भारत छोड़ के भागे, भारत अपने आप, जंगल अपने आप का, ना किसी के बाप का। मैं जिला प्रवक्ता भाई जसवंत सिंह से चाहूंगा कि दो मिनट में अपनी बात समाप्त। बैठ जाओ। कांटों में खिलता हुआ गुलाब, जेठ की दोपहरियों में तपती हुई धूप, किरण करों का मधुर उच्छ्वास और इन सब चीजों को एक जगह एकत्रित किया जाए, एक मानव सोच की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही बीच में हम लोगों के बीच में माननीय कुशवाहा जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में जंग भाई दूसर दो है। हाँ, हमारे बीच में महिला कल्याण के निगम की अध्यक्षा, हम लोगों के समाजवादी पार्टी के ऋण माननीय लीलाती कुशवाहा जी, प्रशासनिक सुधार के माननीय तपेंद्र साख जी, हम लोगों के बड़े भाई और यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय सभी।